हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिशा एकेडमी। मैं आपकी एजुकेटर आज वीडियो लाई हूँ हिस्टोरिकल एक्ट पे। हिस्टोरिकल एक्ट जिससे एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आ जाता है, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हों या एसएससी दे रहे हों। तो ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखा जाएगा। और यहाँ पे ये जो वीडियोस हैं वो पार्ट में आएंगे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल एक्ट, जो कि हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट पीपल कैन बी ट्रेस्ड टू दी, यहाँ पे MCQ लाए गए हैं जिसके बेसिस पे आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। देखिए, द इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट पीपल कैन बी ट्रेस्ड टू दी, रिक्रूटमेंट बेसिस मेरिट पे कब आया, किस कमीशन के अंतर्गत रिक्रूटमेंट जो है वो मेरिट बेस पे आया, बताएं, इसका आंसर दें। तो इसका आंसर है मैकले कमेटी। ध्यान रखें, मैकले कमेटी, जिसको क्या कहा जाता है, मिनट कमेटी भी कहा जाता है, मिनट ऑन एजुकेशन कमेटी। यस, ये एजुकेशन से रिलेटेड एक कमेटी बनी थी। कब बनी थी, चलिए डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, थॉमसन बोमिंगटन मैकले ने इस कमेटी को प्रेजेंट किया था, जिसका नाम है मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड कमेटी थी जिसका पर्पस यही था कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करें। आपको याद होगा उस टाइम दो जो मूवमेंट थे काफ़ी तेज़ी में थे, एक तो था एंग्लिस्ट मूवमेंट और दूसरा था ओरिएंटलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, एंग्लिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट, ये दो थ्योरी काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी लोग बिलीव करते थे ओरिएंटलिस्ट थ्योरी पे, कुछ लोग एंग्लिस्ट थ्योरी पे। ये क्या कहता है थोड़ा जान लेते हैं। तो ओरिएंटलिस्ट कहता है ट्रेडिशनल एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड इन इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की रूल थी और इंडिया में हिंदू और मुस्लिम कल्चर था, ऐसे में जो ट्रेडिशनल एजुकेशन इंडिया में फॉलो हो रहा था उसी को प्रमोट किया जाए, ऐसी थिंकिंग रखते थे ओरिएंटलिस्ट। वही हम एंग्लिस्ट की बात करें तो एंग्लिस्ट क्या सोचते थे, एंग्लिस्ट सोचते थे इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाए इंडिया में, और इसी संदर्भ में ये कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है मैकले कमेटी, जो कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। मैकले कमेटी कब आई थी इंडिया में, तो ये आई थी 1834 में। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें 1834 इस टाइम बनाया गया था मैकले कमेटी, जिसके अंतर्गत इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई थी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन सी कमेटी जो है वो रिलेटेड है रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट पीपल। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट पीपल, तो क्योंकि इस कमेटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, क्या कहा था 1844 में इस कमेटी की बात को देखा गया। ठीक है, और 1844 में ये कमेटी बताती है हाई गवर्नमेंट पोस्ट वो ओपन टू इंडियन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर रिक्रूटमेंट की बात करती है, बताता है कि हाई गवर्नमेंट पोस्ट जो है उसमें इंडियन को अलाउ किया जाए। ठीक है, हाई गवर्नमेंट पोस्ट में, और इसीलिए इसका आंसर जो है ये है मैकले कमेटी। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है तो आप ध्यान रखें, ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, UPSC SSC जैसे एग्ज़ाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, डिफरेंट कमेटी के बारे में हमने पढ़ा है तो सारे कमेटी को देख लेते हैं। ली कमीशन क्या है, स्लिंगटन कमेटी क्या है, मैक्सवेल कमेटी क्या है। ठीक है, तो ली कमीशन जो है वो बनाया गया था 1923 में, और ये कमीशन क्यों बना था ये जान लेते हैं। तो देखिए, ये कमीशन बनाया गया था इंडियन पब्लिक सर्विस में इम्प्रूवमेंट के लिए। क्या इम्प्रूवमेंट करनी थी इंडियन पब्लिक सर्विस में, तो इक्वल नंबर ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश मेंबर्स। जी हाँ, इक्वल नंबर ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश मेंबर को लाना है, और ये कमीशन कब आया था 1923 में। तो ध्यान रखें, ली कमीशन रिलेटेड किससे है, सिविल सर्विस से रिलेटेड है, सिविल पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है। क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में तो ये याद रखें, सिविल सर्विस से रिलेटेड है। उसके अलावा मैंने बताया आपको स्लिंगटन कमेटी के बारे में। अब ये क्या है, ये बना था 1912 में, और ये भी कमेटी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है। ठीक है, स्लिंगटन कमेटी, तो ध्यान रखें दो कमेटी हमने यहाँ डिस्कस किया, ली कमीशन और स्लिंगटन कमीशन। आगे बढ़ते हैं, मैक्सवेल कमेटी के बारे में थोड़ा जानते हैं।
देखिए, मैक्सवेल कमेटी न्यूज़ में था, मतलब उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में था. क्यों? क्योंकि ये कमेटी एक्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है. ये कमेटी रिलेटेड है बारडोली आंदोलन से, जो कि बारडोली सत्याग्रह से रिलेटेड है. क्योंकि ये कमेटी बनाई गई थी लैंड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बारडोली में, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता था. और इसी संदर्भ में ये कमेटी है मैक्सवेल कमेटी, विच वॉज सेटअप टू इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू ऑफ बारडोली. तो ध्यान रखें, ये कमेटी किससे रिलेटेड है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है, क्योंकि ये लैंड रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहा है बारडोली में. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड द सेटिंग ऑफ अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन थ्रू विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड फुली कंट्रोल द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर. देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप जरूर इसका आंसर दें. क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कमेटी के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया इंडिया में, ठीक है, ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप किया गया, ताकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, ब्रिटेन में बनाया गया, वो कंट्रोल करेगा, किसे कंट्रोल करेगा, सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर ऑफ इंडिया. तो वो कौन सी कमेटी है? वो कमेटी है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जैसा कि नाम बताता है, ये रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था. किसे रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है. कैसे, देखते हैं. देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ था, उस टाइम थोड़ा समझ लेते हैं. देखिए, उस टाइम तक दीवानी राइट मिल चुका था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का. और इसीलिए दीवानी राइट मिल चुका था, क्योंकि 1765 में दीवानी राइट दिया गया था आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है. 1765 में दिया गया था दीवानी राइट, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर मिल गया था कि वो दीवानी राइट के अंतर्गत क्या था, वो फिनांशियल जो सिचुएशन थी वहाँ पर वो कंट्रोल कर लिए थे, ठीक है. और बिहार, बंगाल और उड़ीसा को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था उस टाइम. तो क्योंकि उनके पास पावर आ गया था, तो इनकम भी बढ़ रहे थे. लेकिन ये जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉस दिखा रही थी. क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉस दिखा रही थी और प्रॉफिट कमा रही थी, इसका मतलब क्या है? आज भी बहुत सारी कंपनी है जो कि लॉस दिखाती है, गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉय के पास गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, इसका मतलब करप्शन है. तो कुछ ऐसा ही कंडीशन वहाँ था उस टाइम, करप्शन के बारे में हाईलाइट हुआ. और आपको याद होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन? जी हाँ, वारेन हेस्टिंग, जिनको इम्पीच किया गया था, यानी कि एक सिस्टम से निकाला गया था. क्यों निकाला गया था? उनको निकाला गया था करप्शन के चार्ज में और मिसमैनेजमेंट के चार्ज में. और इसी संदर्भ में ये एक्ट भी आया था, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था, थोड़ा जान लेते हैं. तो सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आया था कलकत्ता में, और पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट के पास पूरा पावर मिल गया था कि वो इंडियन अफेयर को कंट्रोल करे, यानी इंडियन अफेयर को देखे. तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ब्रिटिश कैबिनेट के अंतर्गत आ गया था, ब्रिटिश कैबिनेट के अंतर्गत कौन आ गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया था. तो रेगुलेटिंग एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है. आगे बढ़ते हैं. देखिए, इसके अलावा भी कुछ एक्ट यहाँ पे बातें की गई हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं. जैसे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ये क्या था और क्यों आया था? तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जो है, ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है. और इसके अंतर्गत कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को अलग किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का. तो ध्यान रखें, कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को अलग किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के अंतर्गत. और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंतर्गत क्या हुआ था? देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल का चार्टर दिया गया था, यानी अलाउ किया गया था कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं. तो 20 इयर्स का जो मोनोपोली था वो ग्रांट किया गया था इस एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, इस एक्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे आगे. तो चलिए आगे देखते हैं. विच एक्ट हैज़ इंट्रोड्यूस द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, किस एक्ट के अंतर्गत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस किया गया? तो वो एक्ट है, कौन सा एक्ट है? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1854, 58, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अंतर्गत
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, क्यों है, सब जानते हैं। आगे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में। ठीक है, क्यों आया था, 1857 के रिवोल्ट के बाद आया था। और पर्पस क्या था इसका, पर्पस था इंडिया में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इंडिया को डालना। ठीक है, तो इंडिया अब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आ चुका था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। किस एक्ट के अंतर्गत आया था, ये एक्ट है एक्ट ऑफ 1858, इसके अंतर्गत आया था। लॉन्ग 100 ईयर एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 साल इंडिया पर राज किया और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी 100 साल इंडिया पर राज किया, तो लगभग 200 साल इंडिया पर अंग्रेजों की रूल थी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1858। इसका मतलब इस एक्ट में क्या क्या किया गया, तो सबसे पहले तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया इंडिया। इससे क्या होगा, देखिए इंडिया यानी इंडियन की आवाज़ अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में गूंजेगी। शहीद भगत सिंह की जो आवाज़ थी वो सिर्फ इंडिया में नहीं सुनाई दी थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुनाई दिया था, क्योंकि इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। दिस काउंसिल वुड एक्ट एज एडवाइसरी बॉडी ऑफ इंडियन अफेयर। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट किया गया, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया था इसी एक्ट के अंतर्गत, एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वुड बी गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको वॉइसराय भी बनाया जाएगा और गवर्नर जनरल भी बनाया जाएगा। तो पहले वॉइसराय कौन थे इंडिया के, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया गया 1857 के रिवोल्ट के बाद, और सिविल सर्विस एग्जाम जिसको हम सभी जानते हैं और कितनों के सपने होंगे, तो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम में इंडियन को इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो ये प्रोविजंस, ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट के थ्रू इंस्टीट्यूट बनाया गया, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को इंक्लूड किया गया इंडियन को, तो आपको याद रखना होगा इस एक्ट को। आगे बढ़ते हैं, विच एक्ट लीगलाइज कॉमनलिज्म। और वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। माई दिशा एकेडमी एक वेबसाइट भी है और एक यूट्यूब चैनल भी है। वेबसाइट के थ्रू आप वन लाइनर क्विज, डेली क्विजेस, हिंदी क्विजेस, इंग्लिश क्विजेस, यूपीएससी क्विजेस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं, डेली आंसर भी दिया जाता है, तो जरूर उससे जुड़ जाए। विच एक्ट लीगलाइज कॉमनलिज्म, कॉमनलिज्म को कौन सा एक्ट लीगलाइज करता है बताएं। तो देखिए कॉमनलिज्म को लीगलाइज करता है कौन सा एक्ट, तो ये एक्ट था एक्ट चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1909। चलिए देखते हैं इस एक्ट के बारे में। तो 1909 में एक एक्ट आया था जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है। और इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया था, तो देखिए इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन पार्टिसिपेशन को अलाउ किया था। ठीक है, नंबर बढ़ा दिया गया था पार्लियामेंट में इंडियन का, और साथ में इस एक्ट को में सेपरेट इलेक्ट्रोट इंक्लूड की गई थी, यानी कि अब रिजर्वेशन जो हम सुनते हैं वर्ड वो यहाँ से ही इंट्रोड्यूस्ड हुआ है इंडिया में। और कॉमनलिज्म को प्रमोट किया गया क्योंकि रिलीजन बेसिस पे रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो रिजर्वेशन था वो इलेक्शन में भी दिया गया था, और मुस्लिम सीट रिजर्व की गई थी, और जिसको मुस्लिम जो थे वही यहाँ पे खड़े हो सकते थे इस सीट पे और जीत सकते थे। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1909 में। वीडियो में कहीं भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक में डिटेल जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें ताकि इस तरह की सीरीज आगे भी चलाया जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द रूल्स वर मेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज डीवैल्यूएशन रूल, यानी किस एक्ट के अंतर्गत डीवैल्यूएशन रूल भारत में लाया गया था। डीवैल्यूएशन रूल क्या होता है ये भी जानते हैं, तो देखिए डीवैल्यूएशन का मतलब होता है डेलीगेशन ऑफ पावर, यानी कि जो सेंट्रल पावर है उसको प्रोविजनल पावर की तरह देना, यानी कि स्टेट में भी देना। तो जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा बताएं, इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके अंतर्गत क्या हुआ थोड़ा जानते हैं।
देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने एक प्रोविज़न बनाया जिसके अंतर्गत सेंट्रल और प्रोविजनल सब्जेक्ट आया। आज भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, यूनियन, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये किसकी देन है? ये इसी एक्ट की देन है, ठीक है, 1919 एक्ट की, जिसके अंतर्गत दो प्रोविजंस लाए गए, एक सेंट्रल प्रोविजन सेंट्रल सब्जेक्ट्स और दूसरा प्रोविजनल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में क्या आएंगे? स्टेट सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो उस टाइम ये इंट्रोड्यूस किया गया था किस एक्ट के अंतर्गत? 1919 एक्ट के अंतर्गत। इस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए, जैसे इनकम टैक्स, जिसका हम सभी जानते हैं इनकम टैक्स, उसको एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंक्लूड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, पहले भी टैक्स लिया जाता था लेकिन एक फिक्स नहीं था, और इनकम टैक्स पहली बार इंट्रोड्यूस इसी एक्ट के थ्रू लाया गया और इसे एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया। ठीक है, तो ध्यान रखें। उसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि इस एक्ट में सेंट्रल और स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया था। तो आपका क्वेश्चन क्या है? डिवेल्यूएशन बात करें, यानी डेलीगेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर को डेलीगेट करना, यानी कि अपने पावर को ट्रांसफ़र करना, सेंट्रल पावर को स्टेट पावर के अंतर्गत देना। यानी सेंट्रल पावर क्या करती है? सेंट्रल के पास बहुत सारी पावर होती है ना, जैसे घर में बहुत सारे काम होते हैं तो आपकी जो मदर है वो आपको काम बांट देती है कि ठीक है तुम जाओ तुम ये कर लो। तो यहाँ पे मदर के पास सारे पावर हैं और वो पावर आपको थोड़ा सा दे रही है, आपको थोड़ा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। तो इसी तरह होता है, सेंट्रल पावर जो है वो स्टेट को देना, सेंट्रल पावर जो है वो स्टेट को देना ही कहलाता है डीवैल्यूएशन, और इसी एक्ट के अंतर्गत डीवैल्यूएशन आया था। ठीक है, ये याद रखें। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जल्द से जल्द माय दिशा एकेडमी चैनल को ज्वाइन कर लें, और आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू।